नमस्कार साथियों, आज विज्ञान बस आ चुके हैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला के समलेड़ी में। तो आइए बच्चों से जानते हैं, इन्होंने आज प्रैक्टिकल्स किए जो खुद करके देखे, इनसे जानते हैं इन्होंने आज क्या सीखा। जी बच्चे, आपका नाम क्या है और आपकी क्लास क्या है? माय नेम इज कनिका, आई रीड इन 10th बी। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई है और हमें बहुत अच्छा लगा उन्हें पढ़ के। हमने केमिकल्स के बारे में पढ़ा, बहुत साउंड के बारे में पढ़ा और हमें लगता है कि बस हमारे स्कूल में एक साल में एक महीने में दो तीन बार। मेरा नाम सृष्टि धीमान है, मैं कक्षा 10th बी में पढ़ती हूँ और आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई थी जो हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने प्रैक्टिकल्स खुद अपने हाथों से किए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि पहले हम सिर्फ पढ़ते थे लेकिन अब हम उनको खुद करके देखा है जिसके कारण हम उनको याद कर सकते हैं। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत कुछ प्रैक्टिकल्स किए हैं जो हमें बहुत अच्छे लगे और हम चाहते हैं इस स्कूल में महीने के अंदर कम से कम दो बार जरूर आई बस। थैंक यू। मेरा नाम पुमांशी है, मैं कक्षा 10वीं ए की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई जिसमें हमने प्रैक्टिकल किया, बॉडी पार्ट की लोकेशन कहाँ है और उनके क्या क्या कार्य किए जाते हैं। माफ़ी है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हमारे स्कूल में विज्ञान बस आई जिन्होंने हमें बताया कि साइंस प्रैक्टिकल कैसे होती है और ये हमारे स्कूल में महीने में दो बार आनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल हमें जिंदगी। माय नेम इज़ वंशिका, आई रीड इन 10th क्लास। हमारे स्कूल में विज्ञान बस आई है और हमने यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के बारे में जानकारी दी है जो हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है। तो महीने में दो तीन बार हमारे स्कूल में विज्ञान आना चाहिए। माय नेम इज़ किरण देवी, क्लास 10th बी। आज हमारे स्कूल में विज्ञान बस आई है और उसने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम ये चाहते हैं कि वो हफ्ते में एक बार ज़रूर आए। और हमने मैथ के बारे में पढ़ा है, बायोलॉजी, साइंस, फिजिक्स और हम ये चाहते हैं कि वो बस हफ्ते में एक या दो बार जरूर आए। थैंक यू। माय नेम इज़ लव कुमार मौर्य फ्रॉम क्लास 10th बी एंड आज हमारे स्कूल में साइंस बस आई जिसमें हमें काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स करवाए गए और जो बुकिश लैंग्वेज थी उसको आसान भाषा में बताया गया। जैसे उसमें से एक एक्सपेरिमेंट था काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी। नाम प्रियांशा है, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल में एक विज्ञान की बस आई जिसमें उन्होंने हमें काफ़ी कुछ नया सिखाया, हमारे डाउट क्लियर करे और आज उन्होंने हमें काफ़ी प्रैक्टिकल्स करके दिखाए और हमसे भी कराए और हमें सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एक गायब होने वाला लगा जो सर ने हमें करके दिखाया था। और मैं ये चाहता हूँ कि ये बस दोबारा हमारे स्कूल में आए ताकि हम और प्रैक्टिकल सीख सकें और जो उनसे नहीं हुए वो भी कर सकें।